दोस्तों यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज है। सैमसंग ने एक्सीडेंटली सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की फोटो पोस्ट कर दी है मिस्टी ब्राउन कलर में। दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा, उससे भी बहुत ही अच्छा जैसा मैंने सोचा था। और हाँ, ये गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा है क्योंकि आप यहाँ पे एक पेरिस्कोप जूम कैमरा देख सकते हो। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ये जो कैमरा रिंग है ये ज्यादा शाइनी नहीं होंगी, लगभग क्रोम जैसी दिखाई देंगी। और इसका ये बैक है ये भी एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई दे रहा जैसा कैट ने रेंडर्स बनाए थे इसके टॉप लेफ्ट कैमरा में मैसिव कैमरा बम्प के साथ। और दोस्तों यहाँ पे ये रही कुछ और इस गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की लीक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आईसीएमएस ने गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स की इमेज शेयर की है। गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा दोनों में एक पंचोल कैमरा कटआउट होगा और इस कैमरा कटआउट का जो डायमीटर होगा वो गैलेक्सी एस 20 के मुकाबले 1 मिलीमीटर कम होगा। और इसकी डिस्प्ले के जो ऑल ओवर बेजल्स हैं वो लास्ट ईयर के मुकाबले भी कम होंगे, जो इस नोट 20 की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो को और भी बढ़ा देगा। और दोस्तों आगे उन्होंने ये तो इमेज शेयर किए जो हमें इन दोनों मॉडल्स की एग्जैक्ट साइज के बारे में बता रही हैं, जिसमें जो गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा उसका कैमरा मॉड्यूल बड़ा है क्योंकि यही नोट 20 सीरीज का इकलौता डिवाइस होगा जो एक पेरिस्कोप जूम कैमरा सपोर्ट करेगा 50x जूम के साथ और एक 108 मेगापिक्सल का कैमरा। और दूसरी तरफ जो गैलेक्सी नोट 20 है वो गैलेक्सी एस 20 के सिमिलर ही कैमरा स्पेक्स से ऑफर करेगा। और आगे बढ़े तो उन्होंने गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का एक कलर वेरियंट भी अनरिवील किया जो पिट कॉपर, पर वो कह रहे थे कि ये थोड़ा पिंकिश कॉपर जैसा दिखाई देगा जो मेरे मुताबिक तो यही है। पर दोस्तों मेन चीज इसमें ग्लोसी बैक नहीं होगी, इसकी जगह इसमें एक फ्रोस्टेड बैक होगा। पर अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि गैलेक्सी नोट 20 के सारे वेरिएंट्स में फ्रोस्टेड बैक होगा या फिर सिर्फ गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के कुछ सिलेक्टेड कलर्स में ही। और अगर आप मेरे से पूछो तो यहाँ पे ग्लॉसी बैक वाला भी वेरिएंट होगा ताकि जो लोग ग्लॉसी बैक लाइक करते हैं वो पीछे ना रह जाए। और दोस्तों आईसीएमएस ये भी कह रहे हैं कि सैमसंग इस अनपैक इवेंट में जितने भी स्मार्टफोन्स और टेबलेट अनरिवील करेगा वो सब स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ आएंगे जो स्नैपड्रैगन 865 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। और ये वो पहले डिवाइस भी होंगे जिसमें एक ऐसा एसओसी होगा जो 3 GHz से ऊपर ओवरक्लॉक होगा। एप्पल की A14 बायोनिक चिप वो पहली होने वाली थी जो कुछ ऐसा करती, पर क्वालकॉन ने एप्पल की वो सारी स्पॉटलाइट छीन ली। और दोस्तों आगे बढ़े तो सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 20 में कैमरा फोकसिंग इश्यू पूरी तरह फिक्स कर दिया जो एक अच्छी बात है। पर यहाँ पे जो अच्छी बात नहीं है वो है कि जो 120Hz की रिफ्रेश रेट है वो क्वाड एचडी प्लस रेजोल्यूशन पे काम नहीं करेगी। हाँ ये अभी कंफर्म नहीं है, आईसीएमएस ने ये नहीं कहा कि ये 100% ही होगा, फिर इसके होने की आशंका जरूर जताई है। तो दोस्तों आई होप ये नहीं हो क्योंकि मेरी गैलेक्सी एस 20 अल्ट्रा से सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि उसमें 120Hz क्वाड एचडी रेजोल्यूशन पे काम नहीं करता था। और अगर अब की बार गैलेक्सी नोट 20 भी ये सपोर्ट नहीं करेगा तो इसका एक की फीचर चला जाएगा, तो आई होप ऐसा ना। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना।